हाँ तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमने ये शू स्टैंड बना दिया। तो अब ये मैंने ऐसे बना दिया, ये देखो आप उठा के इसको कहीं भी ले उठा जा के जिम सकते। कर सकते हो, इसको कहीं भी ऐसे 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 लेके जा सकते हो। ये है शू स्टैंड, उठा के कहीं भी ले उठा के आप जा इसको कहीं भी लेके जा सकते हो यार। धीरे 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 हाय हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फिर से आपके एक नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं। तो कैसे हो यार आप कमेंट में बता देना, इधर भी हम बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो आज हमने कुछ सोचा था कि चलिए चलो कुछ देसी जुगाड़ लगाते हैं। हमारे मैंने जब मैं घर आया तो देखा कि हमारे यहाँ तो जूते और चप्पल ऐसे ही जहाँ था रखे हुए रहते हैं, तो सोचा कि चलो इसका कुछ जुगाड़ लगा देते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए अब एक शू स्टैंड बनाते हैं और जिसपे हम सभी शूज और चप्पल सैंडल वगैरह वगैरह जो भी है और उसको रख सकते हैं। और इसमें आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, कुछ सामान आपको रखना होगा, बर्तन वर्तन वगैरह वगैरह जैसे जुगाड़। अभी आप इसको मार्केट से खरीद जाओगे ना तो आपको स्टील का या लोहे का मिलेगा जो आपको 700 के 800 के करीब पड़ जाएगा। पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे देसी जुगाड़, जिसमें आपको जुगाड़ करना है क्या, ऐसे कुछ लकड़ी का टुकड़ा आपको जुगाड़ करना है। और इधर दिखा दो कुछ कुछ लकड़ी और औजार जो है हमारा बेसला है वो रेती काटने के लिए है। ये हम लोग का देसी जुगाड़ है, औजार है। इधर ला इधर ला इधर आओ। सबसे पहले आपको ऐसे रस्सी के दो बंडल ले आना है, फिर ब्लेड जो काटने के लिए, उसके बाद औजार औजार तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ। तो बनाने से पहले यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल को प्रेस करो ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारे साथ है जो हम मेरे साथ दे रहे हैं हमारे छोटे चाचा जी, जो कि इस सब को पीस पीस में कर रहे हैं और हमको देख रहे हैं, और मेरा काम है इसको बांधना और स्ट्रक्चर बनाना। तो यार बने रहो वीडियो पे। सबसे पहले देखो ऐसे मैंने दो लूप बन दो लकड़ी लाए, इसको यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, इसको भी ऐसे ओपन करेंगे और बीच में डाल दीजिएगा उसको ये वाला को, हाँ, और इसको ऐसे डाल देंगे, फिर हम इसको बांध देंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक लकड़ी मारेंगे, यहाँ से यहाँ लकड़ी मारेंगे, फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। अरे अरे कहना क्या चाहते हो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इसको रस्सी से लपेट देंगे, जैसे खटिया लपेटते हैं ना वैसे लपेट देंगे आराम से। पीछे आप इसे एक दो तीन चार शूज रखो और ऊपर में फिर इसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ ऐसे ऐसे, मान लो तो ऐसे चारों तरफ खड़ा कर देंगे, फिर यहाँ से एक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक स्ट्रक्चर, बस एक लेयर दो लेयर तीन लेयर, तीन लेयर का आपका शू स्टैंड बन गया। तो फिर आप बने रहो वीडियो पे, समझे, बने रहो, काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो देखिएगा ये रस्सी का है, इसको सबसे पहले मुझे बांधना है ठुट्टा फाल। ठुट्टा फाल बांधने का तरीका ऐसे भी यही है। अब यहाँ से इसको डालो, फिर इधर से निकालो, फिर इधर से रखो, फिर इधर से ले आओ और फिर यहाँ बीच से निकाल दो। ये आपका हो गया ठुट्टा फाल। ये सबसे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गाठ यही है। पर मैं इसको सबसे आसान तरीका से बना के दिखाऊंगा। ऐसे पकड़ना है, हैं ऐसे करना है, एक को आगे से और एक को पीछे से, दोनों को मिला देना है। बन गया हमारा ठुट्टा फाल। तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे डाल देंगे और स्ट्रक्चर हमारा कभी बांधा हुआ नहीं है, गिर जाएगा डर है, लेकिन अब इसको हम कैसे बांध दिए। ओ गिर गया भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर हमारा खड़ा ही है। तो देखिएगा इस खुट्टा पर बांधने के बाद कुछ ऐसा आपका बच जाएगा, इसको कैसे छोड़ देगा, डिज़ाइन आपका खराब हो जाएगा। तो इसको हम इसी रस्सी के साथ इसको लपेट लेंगे। लपेटे में आ गया, लपेटे में आ गया, लपेटे में नेताजी। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इसको ऊपर से निकाल देंगे, फिर इसको मेरे साथ के साथ हो रस्सी को पकड़ने में ऐसे ऐसे। हाँ तो गाइस ये वाला मैं छोटा बना रहा हूँ, लेकिन पंडाल वाला जो बनाते हैं उसको बड़ा करके बनाते हैं। बड़ा वाला तो वो ये देखने के आप सीख सकते हो, लेकिन ये वाला आप सीख लेना क्योंकि ये आपका घर पे काम आने वाला है, पंडाल पे नहीं। तो जैसे गाइस मैंने इस पे खुट्टा फास शुरू किया था, अब मैं इस पे खुट्टा फास खत्म करूंगा। यहाँ से पकड़ा, जैसे मैंने सिखाया था लूप, इधर से एक लूप इधर से, दोनों को मिला देना है। जैसे मैंने ये बांधा गाइस सामने, वैसे मैं इसको भी बांधने वाला हूँ। जैसे मैंने ये बांधा वैसे अब ये भी बांधेगा।
2 hours later. हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम इसमें रखेंगे जूता और चप्पल, क्योंकि आप देख सकते हो इसे मेरा चप्पल लग किया गया है, पर चप्पल मेरा ही है। तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे रख सकते हैं। बीच में जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको रस्सी से लपेट देंगे, जैसे कि खाते बुनते ना वैसे भी हम इसको लपेट देंगे, जैसे कि इसका डिज़ाइन अच्छा दिखे और ये और भी ये और ये दोनों मिलके मजबूत हो जाए। तो बस बने रहो, हम लपेटे में नशा भी लेते हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमने ये शू स्टैंड बना दिया। आपको तो ये शू स्टैंड दिख रहा है ना, ये एक लेयर का, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 3 लेयर का बनाऊंगा, 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर। तो अभी 2 घंटा हो गया इसी को बनाने में, तो काफ़ी देरी हो गया। तो हमने और चाचा ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग जाएंगे नहा वहा के आएंगे, मतलब एक टाइप का सुन लो समझ लीजिए कि ये इंटरवल है। तो अब ये मैंने इसे बना दिया, ये देखो जिम कर सकते हो इसको, कहीं भी ऐसे 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 लेके जा सकते हो। ये है शू स्टैंड जो कि अधूरा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, उठा के कहीं भी ले सकते, उठा के आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो यार। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, मतलब वीडियो का हो गया इंटरवल, और इसका जो ए वन लेयर बन गया, 2 लेयर और 3 लेयर आपको आगे देखने में मिल जाएगा। तो बने रहो यार वीडियो पे, हम जा रहे हैं इंटरवल, मतलब नहाने जा रहे हैं। तो लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंटरवल के बाद, बने रहो यार।